अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बस आज संडे का दिन है, ऑफ था, निकल आए। गर्मी भी काफ़ी ज़ोर शोर से है, बिल्कुल सूरज जो है उसकी तपेश, उसकी किरणें भी पड़ रही है। सही टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20, लेकिन फिर भी लगती है बंदे पे टेम्परेचर, जो गर्मी है। तो थोड़ा सा अभी जाते हैं, कुछ काम था थोड़ा सा, और वो मेरी जो गाड़ी है गरीब, इसका भी आज लास्ट दिन है। तो फिर ये गरीब जो है पसी पर रुकेगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को एक नई गाड़ी दिखाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तो बस इसका जितना साथ था, आज इसका लास्ट डे है, फिर इंशाल्लाह कल से एक नए राइड पर, एक नए सवारी पर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू फास्टन द बेल्ट। बस अभी सवारी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं साथ। तो चलो अभी जाते हैं इंशाल्लाह, थोड़ा सा बाहर, क्योंकि जब ऑफ होता है तो फिर भी बंदा बिजी रहता है ना, कभी एक काम कभी दूसरा काम घर पे निकलता है। तो सर मैंने सीट बेल्ट को ली थी, मैं सेट कर रहा था स्टैंड को जो होल्डर है। तो अभी निकलते हैं इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लाहि सखलना हाजा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो निकलते हैं इंशाल्लाह और साथ साथ को आप लोगों को दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिए। सूरज ऊँच पे है और गर्मी लगती है यहाँ पे, ठंड भी होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, अभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा लगती है गर्मी। क्या करें, लाइफ है, ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है वो तो चलता रहेगा ना लाइफ। अबे हम निकलने वाले हैं मेन काउंटी रोड पे, बंद है सब कुछ क्योंकि संडे का दिन में अक्सर छुट्टी होती है। तो शॉप्स वगैरह या मतलब सरकारी जो है, मतलब जो मेन सुपरमार्केट भी होते हैं, वो भी ज़्यादा टाइम तक ये लोग वो नहीं करते, ड्यूटी नहीं करते ना, बस 4 o'clock फिर बंद हो जाती है सब कुछ। तो अभी देखता हूँ मैं, थोड़ा कीज़ बनाने थे उस वजह से निकला था मैं। तो देखता हूँ कि वो शॉप बंद है या खुली है, अभी वो मालूम कुछ पता नहीं है इस चीज़ का। ख्याल से मैं थोड़ा आगे निकल आया, या आगे निकल आया हूँ और या सामने है, मेरे ख्याल से आगे है, सॉरी मेरे ख्याल से आगे नहीं निकल आया हूँ, इधर ही होगा। चलो खुली है, ड्राई क्लीनर भी है शॉप, अगर पीछे देखें हमारे गांव के जो भाई है उनका है, और साथ में कीज़ वगैरह भी बनाते हैं। तो जाते हैं, मिलते हैं उनके साथ।
पता नहीं कि उन्होंने खुद छुट्टी की है नहीं, खुद मौजूद है नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। तो बस हमने अंदर आए और ये शफीक भाई की ड्राई क्लीनर है, तो देखो इतने सारे बड़े मशीन लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी साथ में मिलाएंगे उनके साथ, वो भी बात करेंगे, सलाम करेंगे इंशाल्लाह। तो साथ में और मामू भी है, वो भी बात करेंगे, तो चलो मिलते हैं उनके साथ। बस वो लगे हुए काम पे। और अस्सलाम वालेकुम मामा, शफीक भाई बस वो बिजी है, वो लगे हुए है काम पे, तो फिनिश होके फिर मुखातिबों के सलाम कहेंगे। तो मैंने अभी आया हूँ क्योंकि मैं पहले कंफ्यूज था कि शॉप खुली होगी या बंद है, कि इंशाल्लाह माशाल्लाह 24 आवर खुली रहती है। तो अगर आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग्स हो, या मतलब आपको कीज बनानी हो, या कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने हो, मतलब पासपोर्ट वाली, जिस मतलब जो ऑफिशियली जो ज़रूरत हो, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, विज़िट कर सकते हैं। फिर वो बाद में आपको खुद वो बताएगा कि उसका नाम का शॉप का नाम, तो मैंने बाहर बोर्ड पर देखा वो पढ़ा भी, लेकिन खुद बताएँगे कि कहाँ पर है, कहाँ पर वाकया है और क्या पोस्ट कोड है। आप लोग यहाँ 24 आवर सर्विस है और खुली रहती है इंशाल्लाह। तो हमारा काम भी हो गया, अभी थोड़ा और छोटा सा काम है, वो करवा के फिर इंशाल्लाह निकलेंगे घर पे, तो हमारे साथ रहिए। बस कुछ काम तो हो गया, और मेरे कार की का मसला है, इसका पेच जो है वो नहीं खुल रहा था। पीछे जो दिखाई दे रहा है ये भाईजान का शॉप है, क्राउन क्लीनर्स। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, और मतलब जो भी हो, चाबी बनवानी हो, या फॉर एग्जांपल आपको क्लीनिंग करनी हो, तो फिर यहाँ पे आप लोग वो भी कर सकते हैं। चलो अभी हम जाते हैं घर की जाने। रश काफ़ी ज़्यादा है, लोग निकल आते हैं घरों से, वीकेंड पे ऑफ रहता है, तो बस फैमिली के साथ लोग टाइम स्पेंड करते हैं। तो लो जी, बस अभी हम घर पहुंच गए हैं घर। ये हमारी गाड़ी की गरीब की लास्ट ड्राइव थी हमारे साथ। इंशाल्लाह फिर हम कल परसों नया गाड़ी ड्राइव करेंगे, तो फिर आप लोगों को मज़ीद दिखाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत दुख हो रहा है हमारे गाड़ी के पीछे, क्योंकि देखो तकरीबन 2 साल तक जो चलाया है इसको, और नहीं बेचने वाला नहीं हूँ, ऐसा ही है, लेकिन बस क्या है कि और गाड़ी ले ली, तो बस इसको थोड़ा भी रेस्ट देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि बस आप लोगों को ये पसंद आई हुई होगी। मैं निकलूँगा अभी, जाएंगे घर पे, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सामने दोबारा मुखातिब होंगे नेक तमन्नाओं के साथ, दुआ के साथ। ये हमारी बेचारी मित्सुबिशी, तो बहुत साथ दिया हमारे साथ ही मेरी गाड़ी ने, तो अल्लाह ताला इसको भी खुश रखे। ये तो खैर, ये तो ये है ना, वो तो मशीन है, गाड़ी है। तो चलो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, जहाँ पे भी वो खुश रहे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक पर भी फॉलो कीजिए, जो मैं देखता हूँ आप लोगों को वो वीडियो में, जो मेरा आईडी है।
तो बहुत सारे प्यार के साथ आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।